फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के फटाफट खबरों। पूरे पश्चिमी महाराष्ट्र में कोरोना थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर में बीते 24 घंटों में 1,884 कोरोना के नए मरीज सामने आए। देश भर में बढ़ते गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जनता में काफी आक्रोश है। भिवंडी में एनसीपी ने आज गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाल कर विरोध प्रदर्शन जताया है। बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया है। मुंबई की बत्ती क्या चीन ने गुल कर दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में पिछले साल अक्टूबर के महीने में 10 से 12 घंटे के लिए बिजली कट गई थी, जिसकी वजह चीनी साइबर अटैक है ऐसा माना जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बात से इनकार किया है। थाने के वर्तक नगर पुलिस ने एक 17 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी की 8 बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया। थाने के माझीवाड़ा में आज पानी की एक पाइपलाइन अचानक फट गई, जिसकी वजह से सड़कों पर हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। काफी 2 घंटे मशक्कत के बाद इस पाइपलाइन को दुरुस्त किया गया। जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत के पेश न होने पर मुंबई की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। यूपी की बरेली में बिना टिकट यात्रा कर रहे ट्रेन में 20 पुलिस कर्मियों को टीटीई ने पकड़ लिया है। टीटीई ने ट्रेन में यात्रा कर रहे 45 लोगों को पकड़ा था, जिसमें से 20 पुलिस कर्मी शामिल है। काफी विवाद होने के बाद आखिरकार पुलिस कर्मियों ने जुर्माना भर दिया। भोजपुरी फिल्मों के एक्टर पवन सिंह ने लखनऊ के गोमती नगर में कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पवन सिंह का आरोप है कि कुछ लोग सोशल मीडिया में उनके छवि को खराब कर रहे हैं और उनसे उन्हें जान का खतरा है। पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। सूरत में एक इमारत में अचानक आग लग गई और जान बचाने के लिए इमारत से दूसरे इमारत में लोगों को खिड़कियों के रास्ते से रेस्क्यू कर बचाया गया। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। कैसे फट गया दूसरे विश्व युद्ध का विनाशकारी बम। इंग्लैंड के एक्सेक्टर शहर में जब इस बम के बारे में पता चला तो वहां से 2600 लोगों को खाली करा दिया गया। रॉयल नेवी बम डिस्पोजल ने पहले इस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश की, मगर रिमोट कंट्रोल द्वारा इस बम को उड़ा दिया गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि लोग इस धमाके से थर्रा उठे। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।